परेशानी आपको क्या है ये बताएं और अपनी उम्र भी बताएं हमें। नसरीन जी, नसरीन बताएं। मेरे की स्किन प्रॉब्लम है, मैं हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी बात करें, हकीम जी साहब जी मौजूद हैं। फरमाइए, स्किन प्रॉब्लम है, अस्सलामुअलैकुम। क्या होता है आपको? वाले सलाम। जी मेरे स्किन प्रॉब्लम है सर, 10 साल से। मैं बैजाब कर रहा हूँ विशाखापट्टनम में। जी नहीं, प्रॉब्लम ये बताइए क्या होता है स्किन पर? मेरे क्या होता है क्या कि मैं स्किन में खुजली होती है, खुजली होती है तो बहुत नोचाता लगता है ना कि बस कोई लगा दिया है ब्लड आता है, फिर उसके बाद फिर रंग अपना बदल दिया, फिर जुलपुट्टी के जैसा आता है, 2-3 साल से जुलपुट्टी के जैसा आता है, रात में ज्यादा होता है। बहुत डॉक्टर से हम दिखाए हैं विशाखापट्टनम में, बहुत डॉक्टर अपना 15-20 डॉक्टर से दिखाए, 5-5 साल दवा खाए एक डॉक्टर का, कुछ फायदा नहीं। दवा खाती हूँ ठीक रहती हूँ, दवा छूट जाती है बस प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ठीक है नसरीन, मैं क्यों ना आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊं कि आप चंद रोज या चंद हफ्ते आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। तो वो नुस्खा लिख लीजिए आप कि अलसी लीजिए, ऐसे 250-250 ग्राम अलसी ले लीजिए और वो हल्का सा भून कर, बहुत हल्का सा भून कर बाहर निकाल लीजिए, और इस 250 ग्राम अलसी में आपको इसे पाउडर भी बना लीजिए और इसमें 10 ग्राम खाने का सोडा मिला दीजिए और इसमें 100 ग्राम मोरिंगा का गौंद मिला दीजिए पाउडर बनाकर। अगर ये आप शुरू करेंगे तो चंद रोज़ में या चंद हफ्तों में आपकी ये तमाम खुजली की शिकायत और जिन लोगों को चकत्ते पड़ते हैं, निशानात पड़ते हैं, या जिनका रंग बहुत साफ़ नहीं है या जिनका खून साफ़ नहीं है, बहुत अच्छा नुस्खा है और चंद दिन में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, आपको इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, जो आपके बावर्ची खाने में चीज़ें हैं बस उनको टटोलना है, उन्हें खंगालना है। हकीम साहब ने ख़ुद आपको बता दें कि कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, उनसे सेहत याब हुई है और ख़ुद की जो परेशानी है उसको ख़ुद ही सुलझाने की ज़्यादातर कोशिश कीजिए।